बहुत स्टूडेंट्स के डिसीजंस डिपेंड करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि मैंने 3 ईयर का ड्रॉप क्यों लिया। मेरे जो रीजन है इसका जो आंसर है, देखो मेरा फर्स्ट ईयर जो ड्रॉप था वो बीएससी के बाद था, जो हर कोई ले ही लेता है। ठीक है, बीएससी के बाद कि हाँ आईटी जाए पर बीएससी में नहीं हुआ तो बीएससी के बाद एक ड्रॉप लेकर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड ड्रॉप जो मेरा आया था वो मैंने लिया था बीएड के बाद। ठीक है, बीएड के बाद मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था। वहां पर भी ठीक है, मेरी कुछ ना कुछ कमियां रह गई। 2023 जो मैंने आईटी एग्जाम दिया था उसमें मेरी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। पूरा 1 ईयर का ड्रॉप इसमें भी मैंने लिया था। ठीक है, एक फायदा जो मेरे को हुआ था वो ये हुआ था कि मुझे यहाँ पर MNIT जयपुर जरूर मिल गया था। मतलब ऐसा नहीं कि खाली थी मैं, मुझे कॉलेज जरूर मिल गया था। ठीक है, फिर से यहाँ पर मॉडर्न बॉय इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट आता है कि मैंने पहला ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप लिया, थर्ड ड्रॉप क्या मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर एक लालच आया था मेरे माइंड में। ठीक है, कि अगर किसी का मतलब मेरा यहाँ पर मेरी ऐसी कैटेगरी होने की वजह से, ठीक है ऐसी कैटेगरी थी और मेरा जो रैंक आया था वो 2733 आया था जैम 2023 में। ठीक है, और यहाँ पर मेरे माइंड में जो लालच आया था वो लालच कुछ ऐसा था कि अगर ऐसी कैटेगरी है और ऐसी कैटेगरी में मुझे इतने रैंक पर MNIT जयपुर मिल रहा है। आयुष का रैंक आया था 700 कुछ अप्रोक्स था, 700 कुछ अप्रोक्स था रैंक। ठीक है, NIT इनको भी मिल सकती थी, बट ये NIT नहीं गए हैं। इनका रैंक अच्छा आया था ये, लेकिन गए नहीं है, इनका सेकंड ड्रॉप हो गया था। लेकिन हाँ इन्होंने सोच लिया था कि नहीं मुझे NIT में जाना नहीं है, MSc करनी है तो IIT से करनी है। बाकी इनका इंटरव्यू जरूर आएगा, हम लोग आप किसको मिलवाएंगे। इनके 84 रैंक आया है इस बार। और मैंने मेरे माइंड में है कि अगर ये बंदा आयुष बंदा इतने रैंक पर फिर से ड्रॉप ले सकता है और फिर से IIT का सोच सकता है, जो कि इसको मतलब अंदर से विश्वास है इस बंदे को कि हाँ मुझे IIT मिल जाएगी। मेरे माइंड में सबकॉन्शियसली माइंड में मेरे चलने लगा कि अब क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए MNIT जयपुर में। लेकिन मेरा जो लालच था वो लालच ये था कि अगर इतने रैंक पर ये बंदर ड्रॉप ले सकता है और फिर से तैयारी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फिर पापा को कन्विंस किया था यहाँ पर। पापा को कन्विंस नहीं किया था, मैंने सीधा बोला था कि पापा मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं ड्रॉप ले लूँ या मुझे मैं ले लूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हें सही लगता है तुम वैसा करो, उन्होंने बस इतना बोला था और कुछ नहीं बोला था। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर मैं ड्रॉप ले रही हूँ। और बट इससे भी एक चीज और बताती हूँ, जब मैंने आयुष ड्रॉप लेगा तो मेहनत करेगा, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करेगा, विच इम्प्लाइज दैट मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आयुष को देखकर कर रही हूँ ना मैं ये चीज, तो मेरे को भी आयुष जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा जो मैंने फिर ड्रॉप लिया था उसमें फिर मेरे माइंड में हमेशा ये बात आती थी, जब भी मैं रुक जाती थी, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं किया करता था, कि जिस बंदे को देखकर मैंने ड्रॉप लिया, इस बंदे को नहीं मालूम था, जिस बंदे को देखकर मैंने ड्रॉप ले लिया है, अगर वो मेहनत कर रहा है इस टाइम बैठकर, वो मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों बैठी हुई हूँ। मैंने उस बंदे को देखकर ड्रॉप लिया था ना, वो मेहनत कर रहा है ना, तो मैं क्यों बैठी हुई हूँ। ये चीज मेरे हर बार माइंड में आती थी कि किसको देखकर ड्रॉप लिया है और क्या था कि हाँ ये बंदा मेहनत करता है तो मेरे को करनी है, चाहे मेरा मन है नहीं है, थोड़ा बीच में ब्रेक ले लूं, लेकिन मुझे इसके जैसे मेहनत करनी है क्योंकि मैं इसी को देखकर ड्रॉप लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी थर्ड ड्रॉप में, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे। मेरे मार्क्स जो रहते थे, मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो गए हैं वो 45 मार्क्स गए हैं। ठीक है, टेस्टों में, वो भी जनवरी मंथ में आकर, ये जनवरी मंथ में आकर ऐसा मेरा हाल हुआ था कि 45 तक गए हैं वो, इजी पेपर थोड़े से हो गए थे इसलिए। और मेरे मतलब 25 से लेकर 25
मतलब मेरे यहीं तक मार्क्स रहते थे, अराउंड 25। मतलब जितना भी मैंने टेस्ट दिए हैं मेरे एवरेज मार्क्स 25, 26, 27 एवरेज मार्क्स मेरे ये रहते थे। मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही थी। बट लास्ट में ये दिसंबर मंथ तक मेरा यही हाल चल रहा था कि मेरे यहीं तक मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जनवरी मंथ में मेरे मार्क्स इंक्रीज होने लग गए थे, जिसमें मैंने फिर 35 कभी देख रही हूँ, कभी 38 देख रही हूँ, कभी 40 देख रही हूँ, कभी 45 देख रही हूँ। ये चीज होने लग गई थी जनवरी मंथ में जाकर, दिसंबर मंथ में नहीं हो रही थी। और क्योंकि इस जो ये मंथ भी आ चुका था ना जनवरी मंथ में, इसमें मेरा आयुष ने बहुत साथ दिया है, बहुत 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 ज्यादा। मतलब मैं अगर आप ना अगर IIT एग्जाम क्लियर होने की वजह बताती हूँ तो मेरे स्टडी पार्टनर की वजह से है। मतलब मैं बहुत बड़ा क्रेडिट आयुष को देती हूँ कि हाँ, ये आयुष की मेहरबानी है कि इसने 1 मंथ, जनवरी मंथ, 1 मंथ जनवरी का मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है। ऐसे में पता मेनली उन्होंने इनका क्या कहाँ पर रहा है प्रेजेंस जो मेरे साथ रहा है। टेस्ट हम हर कोई देता है, टेस्ट जो होता है वो हर स्टूडेंट देता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट का एनालिसिस करना, एनालिसिस करना और साथ में और क्या करना, एनालिसिस के साथ साथ मिस्टेक्स पर वर्क करना, इन दोनों पार्ट्स पर आयुष की बहुत बड़ी मेहनत रही है। मतलब एक बंदे की मेहनत दो बंदों की जिंदगी बनाई है, मेरी और आयुष ने खुद की और मेरी। थैंक यू सो मच आयु। पार्टनर आपको अच्छा ही मिले ये जरूरी नहीं होता, बट आयुष के जैसा स्टडी पार्टनर आयुष एक ही मिला। इस वजह से मेरा जो था रैंक, मेरा थर्ड ड्रॉप जो था वो सफल हो गया। दैट्स एनफ।